हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आजकल ये 2-3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को इतना वार्निंग दे रहा है कि आपको ट्रांसफर कर देगा, नौकरी से टर्मिनेट कर देगा। बाबा, हम सरकार से ये मतलब अपील करता है, सब को आप ट्रांसफर करेगा तो ईटानगर में कौन रहेगा? अगर सबको टर्मिनेट करेगा तो कौन नौकरी करेगा? ये सब धमकी है, ये सब पॉलिटिक्स है, वो बातों में नहीं आना चाहिए। और जो जो ऑफिसर ने, जो जो बड़ा से बड़ा आदमी लोग आजकल सबको बुलाता है, बोलता है टाइम है, आ जाओ, आपसे बात करेगा। अरे ये बात क्यों है, आप 6 महीना पहले क्यों बुला के बात नहीं किया? अब हमको बुला के बात करने से भी अपना जनता को हमने समझाने का कोशिश करना था। आज क्यों आप हर सेक्टर कॉलोनी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आइए, आपको आप मुझसे मिलिए, हम बात करेगा। क्यों आज रोहित उगम साहब का भाषण से, मेरा भाषण से आपको इतना सिर दर्द क्यों हुआ? होना नहीं चाहिए ये चीज जो है। आप अगर हमने यहां किसी को गाली गुला देने के लिए नहीं आया, किसी पार्टी को हमने गाली गुला देने के लिए नहीं आया, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को हम गाली नहीं देगा। सिर्फ आपका जो पॉलिसी प्रोग्राम को अच्छा से इंप्लीमेंट जो करना है उसको बताना चाहिए बोलकर हम तो आपका ही कैंपिंग स्टार हो गया। आप ही बताना है और हम भी बोलता है कि आप बताओ जनता का बीच में, आप बताने का कोशिश करता नहीं है, छुपाने का कोशिश करता है, ये ठीक नहीं है। देश का पॉलिसी प्रोग्राम कैसे मालूम होगा अगर आप सबको स्विच ऑफ करके रखने से? आज अगर ये कैंडिडेट नहीं होता तो स्विच ऑफ हो जाता, यहाँ का माँ बाप लोग कोई किसी को मालूम ही नहीं होता। तो इसीलिए आप सभी से मेरा लास्टली, जो रात में जो टेलीफोन आएगा उसको डरना नहीं है। सबका सबको कहाँ तेज पर करेगा, जाने का जगह नहीं है। और हम इसमें एक मजा ले लेगा, हम लोग 19 को एक मजा ले लेगा, 19 या 20 को हम लोग एक मजा ले लेगा। जितना भी जो ऑफिसर धमकी दिया है अपना जो नीचे का ऑफिसर लोग को, हम लोग टेलीफोन में वॉइस रिकॉर्ड में ले आया है। हम लोग 19 तारीख से, 19 से हम लोग कुछ वॉइस रिकॉर्ड को हम लोग मार्केट में छोड़ देगा। 19, 20, 21, 22 तारीख तक जब तक बतम दबाते हुए भी हम लोग उस वॉइस रिकॉर्ड को सुनते हैं। डीएसपी ने अपना एसआई को गाली दिया, धमकी दिया, इसी तरह के बहुत ऑफिसर ने अपने यूडीसी एलडीसी को धमकी दिया, वो सब आएगा और आप लोग को सुनकर बहुत मजा आएगा। और उस दिन उन लोग कुछ सुनकर शर्म लगेगा, अरे हमको इतना नीचे तक नहीं गिरना चाहिए था, और कुछ शर्म लगेगा। इसीलिए आज भी हम अपील करता है, टेलीफोन करना थोड़ा बंद कर दे, आपका भी कल वॉइस रिकॉर्ड ना आ जाए, मेरा तो आए गया, डरता उड़ता नहीं है। क्योंकि हमने किसी को गाली उली नहीं दे रहा है, किसी को धमकी चमकी नहीं दे रहा है, किसी को मारे पीटे का बोल के नहीं बोल रहे हैं। हम जो जेडीयू का आज भी इलेक्शन तक जेडीयू का जितना कार्यकर्ता है, जितना भाई बहन है, आप मारपीट नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा, गाली उली नहीं करेगा, किसी का पोस्टर नहीं पड़ेगा, किसी का बनर नहीं पड़ेगा। ये सब डिसिप्लिन हम लोग मान के, डिसिप्लिन वाला आदमी हम डिसिप्लिन में रहेगा, चेर चार किसी को मत करो। अगर उन लोग चेर चार करता है तो हंसते रहो, हंसने में शरीर भी अच्छा होगा, अपना आपको भी एक अच्छा लगेगा। और जो मारने पीटने के लिए आने वाला भी, उनका जो बॉक्सिंग कम से कम 10 केजी 20 केजी का जो पंच जो है, हम लोग हंस के ताप देगा तो क्या जाने, वो पंच पहुंचते में सिर्फ हवा जैसे होगा, थोड़ा से छूप कर चला जाएगा। इसीलिए झगड़ा नहीं करना, हम लोग हमेशा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी का हिसाब में इलेक्शन को मेंटेन करना है।
और मैं लास्टली आप सभी से अपील है, आने वाला 22 तारीख को 22 को बतम कहां दबाएगा? तीर पे दबाएगा। हम लोग किसको नेता बनाएगा? रोहित को। इसी विश्वास का साथ मेरा बात को